नमस्कार, जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 22 नवंबर 2019 का पंचांग, आज के शुभ मुहूर्त और आज के अशुभ मुहूर्त। आज आपको कौन से समय में अपना शुभ कार्य करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र का होना बेहद जरूरी होता है। आज हम आपको आज के दिन का सही समय, जो कि सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा कौन सी समय में चल रही है, उसका समुचित विवरण हिंदू कैलेंडर और हिंदू पंचांग के अनुसार बता रहे हैं। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य करने के लिए सही है या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। यदि आप आज के दिन कोई गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं, या कोई व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर कोई अन्य शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त को देख लेना चाहिए, तभी अपने सभी कार्य करने चाहिए। आइए जान लेते हैं 22 नवंबर का पंचांग। महीना मार्गशीर्ष का चल रहा है, तिथि दशमी है, जो कि सुबह 9:03 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि लगेगी, पक्ष कृष्ण पक्ष है और शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, जो शाम 4:41 तक रहेगा। सूर्योदय वही सुबह 6:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:25 पर आज हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं आज का अशुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में अपना कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अशुभ मुहूर्त है यानी राहु काल का समय है, सुबह 10:47 से सुबह के 12:07 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज का जो शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त लग रहा है, वह दोपहर 12:10 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। इस दौरान ही आप अपने सभी शुभ कार्य करें। तो आज हमने जाना 22 नवंबर का पंचांग। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। धन्यवाद।